नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। मैं शालिनी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि थंबनेल में ही आपने देखा कि आज जो हम बनाने वाले हैं वो है हमारे विष्णु दशावतार की सीरीज का एक पार्ट, जिसमें हम उनका पांचवा अवतार बनाएंगे जो है वामन अवतार। वामन का अगर शाब्दिक अर्थ समझें तो ब्राह्मण होता है, पर यहाँ ब्राह्मण की जगह वामन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले मैं बॉर्डर बना रही हूँ इस पोस्टर के लिए, जिसमें मैंने एकदम डिफरेंट बॉर्डर ट्राई किया है। अगर आपको ये बॉर्डर का डिज़ाइन और इसका कलर कॉम्बिनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं केवल बॉर्डर बनाकर एक वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं 3 या 4 चौड़े बॉर्डर्स ही बनाऊँगी, क्योंकि बॉर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग में। मधुबनी पेंटिंग की किसी भी साइज़ की पेंटिंग को बनाया जाए तो उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ती या घटती रहती है, पर बनाया ज़रूर जाता है। इसे मैंने पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। अब ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 3 कलर्स यूज़ किए हैं, जैसा कि ऑपोजिट साइड में आप देख पा रहे हैं। ब्लैक से तो ये डिज़ाइन ड्रॉ ही किया गया है, साथ ही साथ इसमें लाइट ग्रीन, रेड और येलो का यूज़ किया है मैंने, और ये अभी एक छोटा सा पोर्शन मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब मेरा बॉर्डर कम्प्लीट हो गया है और जो मेन फिगर है, हमेशा की तरह मैंने माथे से उसे बनाना स्टार्ट किया है। और अब हम वामन अवतार को ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं दाहिना हाथ ही ड्रॉ करती हूँ। नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में जब सिखाया जाता है तो भी हमें इसी प्रकार से सिखाया जाता है कि हम माथे से किसी भी फिगर को स्टार्ट करते हैं और नाक और होंठ का थोड़ी का पोर्शन बनाने के बाद हम दाहिने हाथ को ड्रॉ करते हैं, और दाहिने हाथ में जो भी चीज़ें बनाई जानी होती है उन्हें ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि ये ब्राह्मण है तो इनके हाथ में कमंडल होना कंपल्सरी है, तो मैंने कमंडल ड्रॉ किया है। और ऐसे ही धीरे धीरे हम बॉडी के सारे पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमेशा फिगर बनाते वक्त मैं उनके उस अवतार के बारे में बात करती हूँ, तो हम ये जान लें कि वामन अवतार भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा था। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि भगवान विष्णु धरती पर से जब जब पाप बढ़ा है तो उसे समाप्त करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है, पर ये वामन अवतार जो उन्होंने लिया था ये पाप की समाप्ति के लिए, हम नहीं कह सकते कि ये पाप की समाप्ति के लिए था, बल्कि ये देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए था। क्योंकि इसमें जिनको समाप्त करने के लिए या जिनका अधिकार क्षेत्र कम करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था, वो स्वयं एक बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। तो चलिए थोड़ी कहानी के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ और आप देखेंगे तो देखते देखते साथ में बनाएंगे और सीखेंगे भी। वामन अवतार भगवान विष्णु का पांचवा अवतार था और ये पवना वामना के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था। इसमें जिनके लिए उन्होंने अवतार लिया, अभी इनके दाहिने पैर के नीचे मैं उनका सिर ड्रॉ करूंगी। ये हैं महाबाहु बलि, यानी ये दैत्यराज बलि हैं जो कि प्रहलाद के पोते थे और इनके पिता का नाम था विरोचन। दैत्यराज बलि एक बहुत ही धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय व्यक्ति थे। वो विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अपनी शक्ति से इंद्र को और तीनों लोकों को जीता था और अपने अधीन कर लिया था और समस्त लोकों के स्वामी बन गए थे। अब क्योंकि वो दैत्यवंश से थे तो दैत्यवंश के शंकराचार्य गुरु थे और उन्होंने बलि का जो इंद्रत्व था उसे स्थिर करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ कर दिया। हिंदू धर्म में, हिंदू हमारी जो पौराणिक हमारे ग्रंथ है उनमें अश्वमेघ यज्ञ का बहुत ही विस्तृत विवरण है। तो ये अश्वमेघ 100 यज्ञ पूरा करने के बाद राजा बलि जो थे उनका इंद्रत्व सदैव के लिए जो है स्थायी हो जाता। और ये जो बात थी वो देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि राजा बलि को अगर तीनों लोगों का जो है शासन मिल जाता तो थे तो वो आखिर में दैत्यराज ही। इस बात से सारे देव बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन देवों ने इंद्र के साथ जाकर विष्णु भगवान की प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान भी ये जानते थे
कि सारे देवता बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें भी उनका अधिकार दिलाना उनका धर्म था। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने देवताओं को विश्वास दिलाया कि वो देव माता अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे और फिर जो इंद्रलोक है वो इंद्र को और बाकी देवताओं को भी उनका जो है स्थान वो वापस दिला देंगे। और कुछ समय के बाद उन्होंने वामन रूप में अवतार लिया। जब, जैसा कि हम जानते हैं कि महाबली जो है वो यज्ञ कर रहे थे, तो इस यज्ञशाला में बैठ के जब वो यज्ञ कर रहे थे और उनके गुरु ने यज्ञ करा रहे थे, तो उसी समय भगवान विष्णु अपने वामन रूप में उस यज्ञशाला में पहुंचे जहां पर राजा बलि अपने गुरु शंकराचार्य के साथ यज्ञ कर रहा था। और उन्होंने प्रहलाद की और बलि के पिता विरोचन की प्रशंसा की। उन्होंने उन्हें बताया कि वो ब्राह्मणों का बहुत ही आदर करने वाले और सत्कार करने वाले थे और इस परंपरा को निभाते हुए राजा बलि को भी वही सारी चीज़ें करनी चाहिए जो उनके पूर्वज करते थे। शंकराचार्य विष्णु को पहचान गए थे और उन्होंने राजा बलि को इस बात के लिए आगाह किया था कि ये स्वयं ईश्वर आपके दरवाजे पर आए हैं और ये दूसरे देवताओं के कष्ट को समाप्त करने के लिए आपसे जो दान में मांगेंगे आप धरती के सिवा बाकी कुछ भी दे दीजिएगा, धरती मत दीजिएगा। पर राजा बलि ने जवाब में कहा कि मैं जिनका परम भक्त हूँ, जिनको खुश करने के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ, अगर वो स्वयं मेरे यहाँ आए हैं तो वो मुझसे जो भी कहेंगे देने के लिए उसका दान मैं करूँगा। उसके बाद फिर वामन रूप में विष्णु जी ने उनसे 3 पग धरती मांगी, जिसके लिए राजा बलि सहर्ष तैयार हो गए। अब जब उन्होंने अपना, भगवान विष्णु ने अपना पहला पग उठाया तो उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पग उठाया तो पूरा स्वर्गलोक नाप दिया, अब तीसरा पग, क्योंकि उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी, 3 पग धरती मांगी थी, तो और क्योंकि तीनों लोक के राजा थे बलि, तो वो देने के लिए सहर्ष तैयार भी हो गए थे। अब 1 पग में धरती नप गई, 1 पग में स्वर्ग लोक नप गया, तो अब तो कोई जगह नहीं। तो फिर वामन रूपी विष्णु जी ने कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ, और तब राजा बलि ने उनसे कहा कि अब मेरी संपत्ति तो केवल मेरा शीश है, तो आप अपना तीसरा जो पग है वो मेरे सर पर रखें। और फिर भगवान विष्णु ने उनके सर पर अपना पैर रखा वामन रूप में। उनके सर पर पैर रखते ही जो राजा बलि थे वो पाताल लोक में चले गए और तब विष्णु जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि आप पाताल में राज करेंगे और आप सदैव जो है मेरे परम भक्त के रूप में भी प्रतिष्ठित रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने अधर्म को नाश करने के लिए जो है ये अवतार लिया था। इस अवतार में उन्होंने देवताओं को उनका अधिकार वापस कराया, क्योंकि जब उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक दान में प्राप्त कर लिया तो उसके बाद इंद्र को इंद्र का लोक जो है, इंद्रलोक जो है वो दे दिया गया। तो राजा बलि जो थे वो राक्षस राज होने के कारण जो है उनका जो शक्ति का क्षेत्र था उसे कम करना आवश्यक था। तो ये थी वामन की कहानी कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया। और कहानी ख़त्म होते होते जैसा हमेशा होता है हमारा जो फिगर है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु का 1 पग पृथ्वी पे है और 1 पग जो उनका दाहिना पैर है वो राजा बलि के सिर पर है। और ये पोस्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और अब इसमें जब मेरा ब्लैक का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं कलर्स का यूज़ करूँगी। और ये पोस्टर हमारा कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, क्योंकि ये ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी के बाहर का एरिया है, तो इसे देख पाने के लिए भगवान वामन ने जो है वो राजा बलि को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो सारी चीज़ें देख पाए थे। वो अपने असली रूप में यानी विष्णु भगवान को उनके असली रूप में देख पाए थे, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, कृतज्ञ थे कि ईश्वर ने उन पे अपनी कृपा की है। फ्रेंड्स, हर पोस्टर के साथ जो मैं कहानी सुनाती हूँ उसका रीज़न ये है कि पोस्टर खुद में कहानी कहने का एक तरीका है।
हमारे मिथिला में जब ये मिथिला पेंटिंग बनाने की शुरुआत की गई थी तो उसमें जो चित्रकार थे वो जो कुछ भी अपनी पौराणिक काल के बारे में जानते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो लिख कर बताने की जगह इन चीज़ों को तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश करते थे। और बस यहीं से मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग का जन्म ही हुआ था। जैसा कि हम कई बार जान चुके हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं कि मिथिला पेंटिंग की शुरुआत हुई थी जब राम और सीता का विवाह हो रहा था। तो जनकपुर के राजा जो थे, राजा जनक, उन्होंने अपने जो राज्य की स्त्रियां थीं उन्हें कहा था कि विवाह के सारे जो विधि विधान हैं उनको दर्शाएं और अपने घरों को सजाएं। और तब पहली बार मिथिला पेंटिंग जो है वो दीवारों पर, घर की दीवारों पर बनाई गई थी। उस समय मिट्टी की दीवारें होती थी जिन पे इन पेंटिंग्स को वहाँ की जो महिलाएं थीं उनके द्वारा बनाया गया था। नेचुरल कलर्स से उन्हें कलर किया गया था और बहुत ही खूबसूरती से शादी के सारे विधि विधानों को दर्शाया गया था। तो जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसके पीछे एक कहानी होती है और वो कहानी बता रही होती है वो तस्वीर। तो जब हम कहानी जानते हुए तस्वीर को बनाते हैं तो फिर उसकी खूबसूरती निखर के आती है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कहानी और ये पोस्टर दोनों ही पसंद आएंगे। आप मेरे पिछले काम की तरह इसे भी पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहन देते रहेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल लास्ट।